आज कुछ नहीं है करने के लिए, तो क्या करे क्या करे क्या करे करके हम, मैंने कहा पहले चाय की चुस्कारियाँ मारते हैं, कुछ खाते हैं, फिर अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि तो कहाँ जाना है चाय कहाँ और नहीं। एक समोसा खाने के बाद में, काफ़ी दिनों से मैं सुन रही थी कि चलो मुलुंड के गार्डन में चलते हैं, मुलुंड के गार्डन में चलते हैं। मैंने कहा चलो यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से जगह पर जाना चाहिए। चलिए फाइनली हमने फिर डिसाइड किया कि मुलुंड के गार्डन में जाते हैं। और ये वैसे ये बताऊँ तो ये समोसा ठीक ठाक था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है। तो भी तो देख ही सकते हैं, मैं पहुँच चुकी हूँ मुलुंड गार्डन में। मुझे एक्चुअल में बहुत एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना था कि चलो चलते हैं चलते हैं, बट वहाँ पहुँचने के बाद में मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि, क्योंकि इतनी बार मुझे बोला गया था कि अच्छा है अच्छा है, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया था। मैं बोली कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा होगा, बट वहाँ पर जाने के बाद में एज़ यूजल मैंने देखा कुछ भी नहीं था सिवाय भीड़ के। अब क्या करूँ, अब कोई जगह भी नहीं थी जाने की, और 6 मुझे लगता है 6 या 6:30 बज चुके थे। मैंने कहा ठीक है यार जाने दो, बैठ ही जाते हैं यहाँ कहीं पे, और मैं जाऊँ और वीडियो ना बनाऊँ, थोड़ा घूमूँ फिरूँ ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ मैं अपना तो हरकत दिखाई देती हूँ कहीं पर भी, कहाँ भी जाऊँ थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ मैं अपने। किस्मत तो सरक ही रही है, और जीन्स भी साथ छोड़ रहा है, वो भी सरकता ही जा रहा है। बताओ मतलब मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉपर तरीके से चले, ना बाल सही है, ना किस्मत सही है, ना नसीब सही है, कुछ भी सही नहीं है, बट तो भी पता नहीं किस घमंड में जी रहे हैं कि यो एक ना एक दिन हो जाएगा अच्छा। इसी उम्मीद से जी रहे हैं, अब रोज़ सुबह उठ रहे हैं इसी उम्मीद से कि चलो कल का दिन हो सकता है अच्छा होगा, परसों का दिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो गार्डन बहुत ही अच्छा है, फैमिली के साथ में अगर आएंगे तो अच्छा है, क्या है फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो टाइम पास हो जाता है, बट मैं अकेले ही गई थी, बस यहाँ वहाँ देख रही हूँ, इतना चिल्लर पिल्लर, इतना चाँव 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 चल रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर मैं एक कोना ढूंढ रही थी बैठने के लिए, और देख ही सकते हो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। तो फाइनली फिर मुझे एक जगह मिला है, यहीं पे मैं बैठी हूँ। अब मैं सबका देख के कि भाई सभी लोग कूद रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी घूम ही लेती हूँ इसी चक्कर में। तो ये रहा मेरा घूमर, और ये देखिए अब मेरा क्लोजअप शॉट, फ्रंट बैक ऊपर नीचे सब शॉट्स हो चुके हैं, तो मैंने क्लोजअप शॉट लिया है। और देखिए क्लोजअप शॉट में देखो मेरे चेहरे की गहराइयों पे, देखिए मैं कितना ज़्यादा सोच विचार में हूँ कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है आगे चल के। खैर कुछ नहीं होगा छोड़ दो। और इसी के साथ में लाइफ का एक दिन और वेस्ट कर दिया है, खैर वेस्ट तो नहीं किया है, कह सकते हैं एक व्लॉग तो मेरा बन ही गया है, भले ही कैसा भी बना हो, लेकिन फिर से कभी आऊँगी नहीं मैं गार्डन में। अब मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं जाऊँ तो एक्वेरियम में जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है एक्वेरियम जाने का, और मैं जाऊँगी बहुत जल्दी। तब तक आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।